टेक टिप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप काइट ऐप में अपनी डीपी लगा सकते हैं या प्रोफाइल पिक्चर को लगा सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं काइट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों काइट ऐप ओपन हो गया है, मैंने काइट ऐप में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन होते ही वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। दोस्तों जीरोधा के काइट ऐप में डीपी को या प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने के लिए नीचे मेन्यू है जिसमें आखिरी ऑप्शन अकाउंट्स का है, इस पर टैप करिए। टैप करते ही आप अकाउंट में आ जाएंगे। डीपी को चेंज करने के लिए यहाँ सामने आपके नेम के इनिशियल्स राइट साइड में दिखेंगे आपके अकाउंट नंबर और ईमेल के आगे, इस पर आप टैप करिए अपनी प्रोफाइल में जाने के लिए। दोस्तों आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ राइट साइड में देखिए एडिट का आइकन आ रहा है जहां पर आपके नाम के इनिशियल्स लिखे हैं ऊपर में राइट साइड में, इस पर आप टैप करिए डीपी को चेंज करने के लिए। टैप करते ही दोस्तों आपसे पूछेगा टेक अ फोटो और सेलेक्ट अ फोटो। अगर आप कैमरा से फोटो खींचना चाहते हैं तो टेक अ फोटो के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, और फोटो गैलरी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट अ फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों टैप करते ही आप गैलरी में आ जाएंगे। जो भी फोटो को आप सेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक रैंडम फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं। आप यहां से एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद ऊपर राइट साइड में टिक मार्क है, इस पर टैप करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप जीरोधा के काइट ऐप में अपनी प्रोफाइल पिक्चर को या फिर डीपी को सेट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।